यहां पर सारे लोगों ने देखा कि पेड़ भड़बड़ा के गिरे हैं। गोपानंदा दया श्रुत्वा द्रुमयो पतयो रवम तत्रा जगमो कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संगीता। सारे गोपी ग्वालों ने देखा कि वृक्ष भड़बड़ा के गिरे हैं, क्या हुआ? अब सब विचार कर रहे हैं, ये गिरे क्यों। भूम्याम निपतितौ तत्र ददसूर्यमलार्जुनौ। पहले तो भड़बड़ा के जब गिरे तो उन्होंने देखा कि कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, और जब बाद में देखा तो दो अर्जुन के पेड़ गिरे हुए पाए गए। और जब वहाँ पर पाए गए तो उलूखलम निकर्षंतम दामना भवद च बालकम कश्चेदम कुताश्चर्यम उत्पादयते कातरा। यहाँ देखा कि लाला बंधे हुए हैं, सब लोग देख रहे थे कि लाला बंधे हैं और वह वहीं खेल रहे हैं, घसीट रहे। इतना तो सबने देखा, बीच से निकल गए ये भी सबने देखा, लेकिन ये पता कोई नहीं लगा पाया कि आखिर ये कुतस्य इदम कस्य इदम कुता आश्चर्यम, ये हो कैसे गया है, ये किसी को पता नहीं लगा। अब इस प्रकार से बड़े कातराह, बड़े व्याकुल हुए, परेशान हुए कि आखिर हुआ क्या। तो जितने बालक थे छोटे छोटे, वे कहने लगे यहां पर बाला ऊचोड़ने ने त्रियगतमुलूखल विकर्षंता मध्यगेन पुरुषादप्यवचक्षमहि। कहने लगे कि मैंने यही बच्चे को देखा था कि रस्सी में बंधे थे और उखल खींच रहे थे, उखल हो गया तिरछा, तिरछा होने पर वो फंस गया और इसने पकड़ के खींच दिया और इस प्रकार से जैसे ही खींचा सो भड़बड़ा के गिर गए। अरे हमने इतना ही नहीं, दो पुरुषों को भी यहाँ से निकलते देखा। बताओ, सच बताना, बच्चों ने ये जो घटना बताई सच बताई कि नहीं? लेकिन बच्चे सच बता दें और ये ऐसी बात हो जो कहीं तक घटना रही हो, कौन विश्वास कर लेगा? किसी ने नहीं विश्वास किया, रे तो बच्चे हैं। और इस प्रकार से यहां पर उन्होंने आ करके यहां पर नंद बाबा ने उलूखलम विकर्षंतम दामना भवद स्वयं आत्मजम विलोक नंद प्रहस्वदनम विमोच कहाँ गए प्रहस्य बदनो विमोच है। यहाँ पर नंद बाबा ने क्या किया कि जैसे ही देखा हमारा लाला बंधा हुआ है, वृक्ष गिर गए हैं, तो यहाँ पर नंद बाबा मुस्कुराते हुए आए। मालूम है क्यों? एक बात बता दें, सुनो, बच्चों पर मैंने जो समझा वो ये कि अगर जो कोई बच्चा बैठा वो छू ले और वो गिर जाए तो बच्चा क्या समझेगा कि हमारे छूने के कारण गिर गया है, ठीक है? तो वो अपने आप को अपराधी समझ लेता कि मैंने, मुझसे गलती हो गई। और पिताजी ने यदि देख लिया तो उसकी आत्मा सूख जाती है, क्योंकि हमसे गलती हुई, अब सेवा होगी, होगी, सोचते कि नहीं? नंद बाबा ने यही सोचा कि अगर जो मैंने इससे यदि वैसे बिना मुस्कुराए देखा तो ये घबरा जाएगा, और घबरा गए तो ये तो देख ही नहीं सकते, इसलिए मुस्कुरा के आए और मुस्कुराते हुए आकर के उनको छुड़ा दिया ताकि बच्चा घबराए ना, ठीक है? ये चीज है। तो कहने का मतलब जैसे कि एक मुझे उदाहरण याद आ गया, एक बार एक छोटी सी बच्ची 3-4 साल की, और उसने सूसू कर ली उसमें अपने कपड़े में, तो कहती देखो देखो देखो, उसके पिताजी देखो देखो तुम्हारी बच्ची ने उसी में सूसू कर ली, तो देख करके घबरा गई। पिताजी ने कहा चिंता मत करो, जाओ बदल के आ जाओ, दूसरे मम्मी धो देगी। तब उसको शांति मिली, चलो पिताजी नाराज नहीं है, समझ गए? तो घबरा जाता है बच्चा पिताजी को देख करके, तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि नंद बाबा मुस्कुरा करके वहां आए ताकि बच्चा घबराए ना। इस प्रकार से यहाँ पर एक लीला समाप्त हुई और दो श्लोक की एक लीला, मात्र दो श्लोक में एक लीला का यहाँ वर्णन किया सुखदेव जी ने। कहने लगे कि एक फल बेचने वाली आई,
फल बेच करके वहाँ पर जा रही थी, फल ले लो। यहाँ पर लिखा है क्रीणी भो फला नीति नीति श्रुत्वा सत्तरम अच्युत, फल ले लो फल। इस प्रकार के श्रुत्वा सुन करके सत्वरम अच्युत, बड़े ही जल्दी भगवान वहाँ पर आकर के और फलार्थी धनम आदाय सर्व फल प्रदा। अब फल लेने के लिए उन्हें पता था कि बगैर कीमत के फल मिलती नहीं है, तो तब कीमत चलती थी गेहूं बाजरा, समझे। तो उन्होंने धान्यम माने अन्न ले लिया, किसमें, हाथ में, हाथ में फलार्थी धान्यम आदाय, धान्य माने अनाज ले लिया, ययौ सर्व फल प्रदा। फिर देखो सुखदेव भगवान ने यहाँ इशारा कर दिया, क्योंकि देखो लेने कौन जा रहे हैं, जो सबके कर्मों का फल देने वाले हैं, है कि नहीं। राम झरूखा बैठ के सबका मुजरा ले, ये वहां की है भाषा, कहाँ की, बनारस साइड की, गोरखपुर की। कहते राम झरोखा बैठी के सबका मुजरा ले, जेही की जैसी चाकरी तेही का तई सो दे। सच है कि नहीं, तुम बढ़िया प्रसन्न मन से दान करोगे तो तुम्हारी नौकरी का पेमेंट करेंगे कि नहीं। अब अगर जो तुम राधे राधे करोगे तो तुम्हारी नौकरी का पेमेंट, तो जेही की जैसी चाकरी, जिसने जैसा काम किया तेही का तैसो दे। एक फैक्ट्री में एक होता है लेबर और एक होता है मैनेजर, दोनों की पेमेंट सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है ना। तो जिसकी जैसी नौकरी उसको वैसा पेमेंट होता है। तो तुमने दान किया है, भगवान का नाम जाप करते हो, तो तुम्हारी करनी का तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिलेगा। और कोई राधे राधे करता है या तो उसका उसको मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहे कौन फल लेने गए, हर जगह एक एक कदम पर सावधान करते हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी। कह रहे हैं कौन, कहे जी सर्व फल प्रदा, जो सबको फल देने वाले हैं कर्मों का, वो क्या करने आए, कहे कि फलार्थी धान्यम आदाय, फल लेने के लिए धान्य माने अनाज लेकर के दौड़ पड़े, समझ गए। और कैसे कि सत्वरम, जल्दी 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 दौड़े, माता 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 माता, जैसे कि कोई बेचने वाला आ जाए तो माता हड़बड़ा के भागती है, चाहे सब्जी अमनिया कर रही, चाहे आलू छील रही हो, चाहे कुछ, दौड़ के भागे, चलो चलो देखो देखो, तो भागना चलाना जाए, रुको 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 रुको, तो वो रुकता है, होता है कि नहीं। तो वही घटना लिखी है सत्वरम, जल्दी जल्दी भगवान भगे। और जैसे ही भगवान भगे तो यहाँ पर फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम्। और वो फल को बेचने वाली ने देखा कि भगवान लाला छोटे से हैं, हाथ में भर के लाए हैं और रास्ता भर बुआई करते चले आए, तो उसमें कुछ बचेगा। एक बार बताओ, केवल 2 साल को छोड़ा, दोनों मुट्ठी में धान लेगा कितने आएंगे, 10 ग्राम 20 ग्राम, है ना। अब ऊपर से वो बोते चले आए, क्या हो गया, आरती चल रही, चिंता मत करो, ऊपर से वो बोते चले आए, ठीक है, क्या बचा होगा। तो हाँ, क्योंकि च्युत धान्यम, सारे धान्य माने अनाज गिर गया था, 1-2 दाने बचे थे। और इसके बाद उन्होंने लाला की भोली भाली शकल देखी, और जैसे ही भोली भाली शकल देखी तो माता मुग्ध हो गई, क्या बात है लाला, फल लोगे, हाँ मैया फल लेंगे, कितने लोगे, सब दे दो, लाओ कुछ दोगे, तो लो माता दे दी 4 दाने गिनती के। लेकिन माता भूल गए उनको देख करके, ठीक है आज हम तुम्हें सारे फल दे देंगे। और माता ने सारे फल भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिए। एक बात बताओ माता, जब तुम तुलसी के दल को चढ़ा देती हो तो भगवान बिक जाते हैं, बिक जाते कि नहीं, नहीं समझे। तुलसी का पत्र को प्रेम पूर्वक यदि कोई चढ़ाता है तो उसी तुलसी के पत्ते की कीमत पर भगवान बिक जाते हैं। और आज उसने पूरी जीविका लुटा दी, किसको, भगवान को।
गरीबी दूर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो सुखदेव भगवान कह रहे सुनो, क्योंकि हाँ तो यहाँ पर फलैर पूरेत रत नहीं फल भांडम पूरी चा। भगवान ने उसके जो टोकरा जो लाई थी चार दाने के बदले पेमेंट क्या दिया ना, फलई ही वो रत्न ही अपूर्यत, वो सारा का सारा उनका टोकरा जो था वो रत्नों से भर दिया कि तुमने अपनी पूरी जीविका मुझे लुटा दी, जाओ तुम्हें आज से जीविका की जरूरत ही नहीं पड़े, खूब खाओ पियो चकाचक। भगवान ने पूरा टोकरा रत्नों से भर दिया। कैसे दिया? नहीं संकल्प मात्र से, क्योंकि दिए तो चार ही दाना गिनती के, लेकिन माता ने दे दिए। तो ये चीजें दो श्लोक की कथा है, कितनी मार्मिक कथा है कि नहीं, मात्र दो श्लोकों में है कथा। तो इस प्रकार से भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते हैं और लीला करते करते यहां पर आगे सोच रहे हैं सारे नंद बाबा आदि विचार कर रहे हैं। एक यहाँ पर छोटी सी और कथा है, लगे यहाँ सुना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, रोहिणी माता गई, अरे लाला आ जाओ, किस लिए आ जाओ, आ करके यहाँ भोजन कर लो, सारे के सारे बच्चे खेलने गए हैं। रामम रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकै वृषम, बलराम जी और कृष्ण दोनों वहाँ खेल रहे थे, रोहिणी माता बुला रहे, नोपे आता यदा हूत क्रीड क्रीड़ा संगे ने पुत्र कौ यशोदा प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। यशोदा माता ने रोहिणी को भेजा, जाओ लाला खेल रहे हैं उनको लेके आ जाओ। तो यहाँ पर क्रीडंतम सासुतम बालैर अतिवेल सह ग्रज, बहुत देर हो गई खेलते खेलते, और वहाँ पर रोहिणी माता बुलाने आ गई यशोदा, जो वीत कृष्णम पुत्र स्नेह तीस्तनम तनी, कहने लगे कि यहाँ पर बड़े प्रेम से बुलाया, क्योंकि बड़ा प्रेम भरा था, और बुला रही कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात ए ही आ जाओ, स्तनम पिब दूध पी लो, अलम बिहारे बहुत खेल लिया, आ जाओ तुम छुच्छांत, भूख से तुम कमजोर हो गए हो, आ जाओ क्रीडा शांतोसी पुत्र का, तुम खेलने में बहुत परेशान हो गए थक गए हो, आ जाओ। और हे राम गच्छ ताताशु, हे राम आगच्छ आ जाओ, हे तात आगच्छ आशु जल्दी आ जाओ, सानुज कुल कुल नंदन कुल को आनंदित करने वाले हे राम और कृष्ण दोनों आ जाओ। और आकर के प्रातरे कृताहार तद भवान भोक्तमर्हति, तुमने सवेरे ही सवेरे थोड़ा सा बाल भोग माने ब्रेकफास्ट ही किया था, क्या किया था, ब्रेकफास्ट ही करके तुम आए हो। यहाँ लिखा है कि प्रात एव कृत आहारा, प्रात सवेरे ही तुमने थोड़ा खाया, सवेरे सवेरे डट के खाते हैं या एक बिस्कुट और एक कप चाय क्या करते हैं, थोड़ा खाते हैं उसी को कहते हैं। आप लोग कहने लगे हो ब्रेकफास्ट, हिंदी में कहते हैं प्रातरास, ठीक है, हिंदी में कहते हैं बाल भोग, बाल भोग माने बच्चे जितना भोजन कर लेना, और संस्कृत में कहते हैं प्रातरास, जिसको आप ब्रेकफास्ट कहते हो। तो प्रात एव कृत आहारा, सवेरे ही तुमने थोड़ा सा खाया था, भवान भोक्तुम अर्हति आ करके तुम खा लो, इस प्रकार से बुलाती है माता। प्रतीक्षन्ते त्वं दाशारय भोक्ष्यमाणो प्रजाधिपा, देखो तो तुम्हारे नंद बाबा बैठे हैं थाली परोस करके और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ करके ए आवयो प्रियम देही स्वगृहान यात बालका। अरे श्रीदामा सुनंद नंद बालक बच्चों, जाओ जाओ अपने अपने घर से भोजन करके आ जाओ, हमारे लाला भी जाएंगे। और इस प्रकार से उन्हें बुला रही हैं, उन्हें भगा रही हैं, और इस प्रकार से करते करते इत्थम यशोदा तम शेष शेखर मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप, हे राजन इस प्रकार से यशोदा मैया प्राकृतिक बच्चा समझती हैं और उनको बुला रही हैं, और
बुला करके जब वे नहीं आए तो यशोदा मैया ने हस्ते ग्रहीत्वा सह राम अच्युतम, हाथों में राम माने बलराम के सहित भगवान को पकड़ा और पकड़ करके सीधे नीत्वा सवाटौ कृतवत्य यशोदम, पकड़ करके अपने रास्ता पकड़ी भोजन कराने के लिए। पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि देखो तो लाला एक बात और बढ़िया सुंदर कही, क्या 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 कहें क्या छोड़े, माता समस्या यहाँ है, समझ गई, एक श्लोक पर नजर पड़ जाए वो और इम्पोर्टेंट, अगले पर वो और इम्पोर्टेंट, क्या कहें क्या छोड़े। इसमें लिखा है पश्च वयांसान से मातृ मुष्टान सलंकृतान, देखो तो लाला तुम्हारे मित्रों का सबका मेकअप हो गया है, सबको सजा धजा के माताओं ने भेजा है और तुम यहाँ पर तुम च स्नातम, तुम भी स्नान कर लो, कृतारो भोजन भी कर लो, विहारस्व सलंकृत, फिर इसके बाद अलंकृत माने सज धज करके और फिर आके तुम खेलना, इस प्रकार से माता समझा रही हैं। तो तुरंत सुखदेव जी ने सावधान किया, सुनो सावधान रहना, वही परमात्मा इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम, वो परमात्मा को मत्वा सुतम स्नेह बद्ध धीर्ण पर और स्नेह की रस्सी से बांध करके भगवान को खींच रही हैं और वो हैं कौन, परमात्मा हैं साक्षात, इस प्रकार से यहाँ पर विचार किया गया। और इसके बाद सारे गोप ग्वालों ने गोष्ठी की, कहने लगे कि समस्या क्या है, क्यों देखो तो जब इनका जन्म हुआ 6 दिन के हुए तब पूतना आ गई, वो अत्याचार करने लग गई, फिर यहाँ पर सकटासुर आदि आ गए और फिर इसके बाद यहाँ पर चक्रवात नीतोयम, चक्रवात रूप धारण करके वो आ गया तृणावर्त, अब वो भी लेके भाग गया था, दैत्येन विपदम वियत, और वो बड़े वियत माने आकाश में लेके चला गया था, बताइए ये समस्या आ गई आखिर कारण का, शिलायाम पत्तस्तत्र परिस्त्राता सुरेश्वरा, अच्छा हुआ कि वो पत्थर पर गिरा, गोकुल के लोग कह रहे अच्छा हुआ कि वो पत्थर पर गिरा, जिससे उसके ही हाथ पैर टूट गए, लाला का कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान ने रक्षा की, क्या बात है समझ में नहीं आता है, इस प्रकार से जाने कितनी समस्याएं हैं। ऐसा करते हैं अब हम यहाँ से छोड़ करके कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज नई समस्याएं आती हैं, इसलिए यहाँ से छोड़ के आगे चलते हैं। कहाँ चलोगे, तो कहने लगे कि हमारे विचार से कहाँ चलोगे, नंदगांव उधर चलोगे, बरसाने की तरफ कि कहाँ चलोगे, तब एक कहने लगे ऐसा करो कि वृंदावनम सम प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन चलते हैं जो हर एक मौसम में बड़ा सुख देता है, और वहाँ पर तत्र चरकुर ब्रजावासम, वहीं पर चल करके अपने आवास माने निवास स्थान बनाएंगे और सकटैर चंद्र अर्ध चंद्रवत आधे चंद्रमा के समान वहाँ सकट माने वो बैलगाड़ी है ना, उनसे वहीं आवास बना लेंगे और वहीं रह लेंगे। तो कह कि चलो भाई जैसी आपकी इच्छा है, और वहीं पर वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुल नीचा दीक्षा सीध तमाम प्रीति राम माधव योड़ने पर, और इस प्रकार से जब कहा तो वहीं पहुंच गए और जा करके वहां पर रहने लग गए। भगवान को भी बड़ा आनंद आया और आनंद आ करके यहां पर अब ये वत्सपाल बन गए जो बछड़े चराना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बछड़े चराना प्रारंभ किया तो यहीं पर वत्सासुर आया है। अब समयाभावेन क्या करे, इतना ही आनंद लो अब, क्योंकि तुम तो रुके रहो, हम तो रात भर सुनाते रहे थे लेकिन तुम रुकोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पास 100 काम है। तो अब समयाभावेन हैं मैं क्या करूं, क्योंकि अब जैसा समय वैसे ही काम होगा। बोलिए गोविंद भगवान की।